जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। उड़ीसा में ट्रेन हादसा शायद दुनिया में पहला एक हादसा इतना बड़ा, इतना दुखदायक है, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कई दिनों तक मैं इसके विषय में कुछ बोलने की उसमें नहीं था, क्योंकि भीतर से जिनके घर परिवार हैं संसार में, वही व्यक्ति इस पीड़ा को समझ सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। जिसका ना आगे नाथ ना पीछे पग्घा, वो व्यक्ति तो कतई नहीं समझ सकता है। जैसे सत्ता में बैठे हुए बिन औलाद वाले बैठे हुए हैं, उनको कोई दुख दर्द नहीं होता, क्योंकि वो सत्ता के लिए कुछ भी करने को, कुछ भी कराने को उत्साहित रहते हैं और आनंद लेते हैं दूसरों के शवों के ऊपर। यह सच्चाई है, क्योंकि इतने बड़े हादसा होने के बाद और बेशर्मी की तरह राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री जिस तरीके से बेशर्मी से देखने को मिला वीडियो, हम सबको आश्चर्यजनक बात है। दूसरी बात है कि कई सारी वीडियो सैकड़ों की संख्या में वायरल हैं, किस तरीके से मरे हुए व्यक्तियों का अपमान किया गया है। दो गज कफन भी इस बेशर्म सरकार जो है, निर्लज्ज सरकार जो है, ये उन लाशों के लिए उपलब्ध कराने में विफल है। कितनी बेशर्म सरकार है, हम लोग इससे समझ सकते हैं कि कितनी गिरी हुई सरकार है, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। और आप लोग भी जो बाल बच्चेदार आदमी है वही सोच सकते हैं। और जिनका मैंने कहा कि कुछ है ही नहीं आगे पीछे, उनको कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो अपने ही परिवार के नहीं हुए तो हमारे और आपके कैसे हो सकते हैं, ये कभी मानने वाली बात नहीं है। जो व्यक्ति अपनी घरवाली को रहते हुए घरवाली छोड़ के भाग गया, माँ के रहते हुए 16-17 साल की उम्र में माँ को छोड़ के भाग गया, बाप को छोड़ के भाग गया, भाई को छोड़ के भाग गया, उस व्यक्ति से हम किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और उम्मीद नहीं रख सकते हैं। क्या कहूं मैं ज्यादा, अभी आपने देखा किसानों के ऊपर किस तरीके से हरियाणा के अंदर कसाईयों जैसा सलूक किया है इस सरकार ने, पहलवानों के साथ किस तरीके से सलूक किया है इस कसाई सरकार ने, इससे पहले किसान आंदोलन हुआ था किस तरीके से इस कसाई सरकार ने किया, क्योंकि यह बिन औलाद की सरकार है, बिन औलाद की, बिन पत्नी वाले, कोई नहीं है इनका, इनको कोई लेना देना नहीं है दुनिया की, ये तो सिर्फ आए हैं सत्ता का सुख भोगने के लिए और दिन में 4 सूट बदलने के लिए और जुमलेबाजी करने के लिए आए हैं, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए, नए नए पैतरे छोड़ने के लिए। अभी ट्विटर पे भी देख रहा था कि इनके अंधभक्त आईटी सेल वाले खूब हिंदू मुसलमान इस रेल हादसे को भी करा रहे हैं। तो मतलब ये सिर्फ अफवाहों की सरकार है, और इनसे अगर आप विकास की और रहम की कोई उम्मीद रखते हैं तो हर व्यक्ति नादान है। इनसे उम्मीद रखना मतलब किसी भी प्रकार का सही नहीं है। क्या इससे ज्यादा हम कहेंगे आज, क्योंकि शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि ये बेशर्म सरकार है और लोगों की लाशों के ऊपर राजनीति करना इसका पेशा है। जैसे आपने देखा होगा गुजरात दंगा देखा था ना, ये आनंद लेते हैं लोग जब मरते हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर जैसे ये कोरोना वायरस का एक अफवाह उड़ा के कैसे लोगों की जान से खेला, लोगों को घर में बंद कर दिया। नोटबंदी के समय में आपने देखा किस तरीके से भूख प्यास से लोग, कई सौ लोग उसमें मर गए। और ट्रेन हादसे के अंदर जो ये 280 या कुछ दिखा रहे हैं, भाई ये आंकड़ा मैं मानने को तैयार नहीं हूं। 2-3 रेलगाड़ियों की भिड़ंत हुई है, एक मालगाड़ी और 2 सवारी गाड़ी।
आप सबको मैं बता दूं, एक जनरल बोगी के अंदर कम से कम 200-250-300 आदमी रहते हैं, और हर रेलगाड़ी में 5 डिब्बे तो जनरल बोगी के होते होते हैं। जनरल बोगी में मरने वालों की सरकार चाहे किसी की रही हो, कोई आंकड़ा नहीं दिया जाता, उस लाशों को गायब कर दिया जाता है, क्योंकि वो गरीब मजदूर व्यक्ति सफर कर रहे होते, उनकी जान की कीमत ही क्या है इनके नजर में, राजनीतिक नेताओं की नजर में, तो उनकी कोई आंकड़ा नहीं सरकार देती है। और जो व्यक्ति रिजर्वेशन में सफर करते हैं, नेट के द्वारा टिकट उपलब्ध कराते हैं अपने एड्रेस के साथ, वो मजबूरी है सरकार की उनको बताना। और ये जो 2 लाख रुपए का मुआवजा, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मोदी जी, आपके जान की कीमत क्या है, आपके मंत्रिमंडल की जान की कीमत क्या है? अगर एक आम आदमी की जान की कीमत सिर्फ 2 लाख की है, तो एक नेता की 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख यही होनी चाहिए। हद कर दी है भाई, हद कर दी है। एक व्यक्ति का पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, अगर एक घर का गार्जियन उसका समाप्त हो जाता है, तो वो पूरी फैमिली बिखर जाती है, पूरी फैमिली। 2 लाख रुपए भीख, भिक्षा, और वो भी मिलेगा, मोदी सरकार देने वाला है आपको लगता है? जो व्यक्ति दूसरों का खून चूस के सत्ता हथियाया है, दूसरों की जान लेके हथियाया है, वो व्यक्ति करीब गरीब मजदूर को कुछ देने वाला है? कुछ नहीं देने वाला। इस सरकार से कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। ये सरकार है सिर्फ लेने वाली, देने वाली सरकार नहीं है, चाहे किसी भी माध्यम से हो, ये सिर्फ लेती है, देती कुछ नहीं है। आखिर 2024 आने वाला है, ऐसे कई हादसे हो सकते हैं, कई नए नए तरीके के फार्मूले अजमाने में माहिर है मोदी सरकार। जैसे आपको याद होगा 2019 पुलवामा हमला, अच्छा लाभ मिला था मोदी सरकार को। याद होगा आप सबको 2014 में गांधी मैदान में 14 बम फूटे थे, अच्छा लाभ मिला था मोदी सरकार को। तो मोदी सरकार का इतिहास है दंगे, आतंकवादी हमला, ट्रेन हादसा, मतलब एक सुर्खियां बटोरना, किसान आंदोलन पे किसानों के ऊपर अत्याचार, नौजवानों की रोजगार छीनना, मतलब सिर्फ छीनने में भाजपा सरकार माहिर है। आपको भाजपा सरकार से कुछ प्राप्त नहीं होगा, आप सिर्फ इस सरकार को दो, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, उनका घर भरना है, आपसे लेना है और पूंजीपतियों का घर को भरना है, ये सरकार का एजेंडा है। सिर्फ 9 साल के अंदर 5-स्टार होटल जैसे हर जिले में भाजपा कार्यालय बन गया, सिर्फ 9 साल में, आप देखिए इतिहास उठा के। और 56 साल राज करने के बाद भी कांग्रेस कार्यालय टूटी फूटी, किसने देश को लूटा, कौन लूट रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। जो पिछले 60-65 सालों में महंगाई नहीं बढ़ी, वो उससे 2 गुना 4 गुना सिर्फ 9 सालों में महंगाई बढ़ी है। तो देश को कौन लूटा, देश की जनता को कौन लूट रहा है, ये हम सब समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देश को कौन बेचा, ये भी आप समझ सकते हैं कि 9 सालों में जितने कांग्रेस ने बनाए, वो सारी संपत्ति भारत सरकार की जो थी, वो मोदी सरकार ने उद्योगपतियों की झोली में दे दिया। तो देश के लिए कौन काम किया, ये हम लोग समझ सकते हैं। मोदी है तो भूचाल भी आएगा, मोदी है तो दंगे भी होंगे, मोदी है तो आतंकवादी हमले भी होंगे, और मोदी है तो इतने बड़े बड़े रेल हादसे भी होंगे, और मोदी है तो किसानों के ऊपर भी लाठियां बरसाई जाएगी, और मोदी है तो पहलवानों के ऊपर भी डंडे बरसाए जाएंगे, जिन्होंने गौरव बढ़ाया भारत देश का, उसके ऊपर भी लाठियां बरसती हैं। मोदी है तो ये सब मुमकिन है। तो आपको क्या मोदी को रखना है, या मोदी को बाहर 2024 में करना है, या अपने घर के बाल बच्चों को मोदी को फिर से लाके हर व्यक्ति को कटोरा थमाना है, मतलब कटोरा लेना है हाथ में, क्योंकि मोदी ने कहा था कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, यानी मोदी झोला उठा के जाएगा तो यानी हर व्यक्ति के हाथ में कटोरा थमा के जाएगा।
तो ये आपको समय रहते संभलना है, समय रहते समझना है कि भैया मोदी है तो ये किसी का नहीं है। अरे जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, पत्नी का नहीं हुआ, मैं फिर लास्ट में कह रहा हूं, वो आपका कैसे हो सकता है, देश का कैसे हो सकता है, राष्ट्र का कैसे हो सकता है। मोदी सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है और अपने लिए है, सिंगल अपने लिए है। उद्योगपतियों का गुलाम है, उद्योगपतियों की हाथों की मोदी कठपुतली है। ये राष्ट्र के लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है। इतिहास उठा के देख लीजिए, मेरी बात पे यकीन मत कीजिए कि मोदी ने बोला क्या है और करा क्या है। हमें लॉलीपॉप पकड़ाया गया है राम मंदिर का, हमें लॉलीपॉप पकड़ाया गया है 370 का, जिससे आम जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला। कोई भी हिंदू मुसलमान की बस्ती में जाके नहीं बसेगा, ये कड़वी सच्चाई है। बोलिए कितने हिंदू हैं जो मुसलमान के घर के साथ में जाके आप अपना घर बना के रहना चाहेंगे, क्योंकि वो खाते कुछ और हैं इसलिए, और हम खाते कुछ और हैं। हम गौ माता को मानते हैं, मुस्लिम नहीं मानते हैं, तो कौन सा हिंदू जाएगा आपको मुसलमानों के साथ। तो ये मूर्ख बनाने वाली बातें मोदी सरकार खूब सारी तरीके से करती है, लोगों को मूर्ख बनाने का काम करती है, और उसके सहयोगी हैं इस देश के देशद्रोही राष्ट्रद्रोही न्यूज चैनल, जिसे हम नेशनल न्यूज कहते हैं। अगर हमारे देश को कोई बर्बाद कर रहा है, हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा कोई नफरत फैला रहा है और आतंक फैला रहा है, तो वो हमारे देश की गोदी मीडिया है। ये सच्चाई है, ये जनता को सच दिखाने के बजाय सिर्फ झूठ परोस रही है और उनको गुमराह करने का ये गोदी मीडिया काम कर रही है। तो समय रहते आप लोग समझिए हर बात को, क्योंकि जल्दी से फैसला नहीं करना है। 2024 में भी लगभग 11 साढ़े 11 महीने बचे हुए हैं चुनाव का समय में। बहुत सारी अनोखी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार के पास विकास का मुद्दा लेके ये चुनाव में जा नहीं सकते हैं, हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके ये चुनाव में जा नहीं सकते हैं, विकास का मुद्दा लेके ये चुनाव में जा नहीं सकते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके ये जा नहीं सकते हैं, युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा लेके ये जा नहीं सकते हैं, किसानों का मुद्दा लेके ये जा नहीं सकते हैं, हमारे देश की बेटियों का मुद्दा लेके ये चुनाव में जा नहीं सकते हैं। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ बचा है कुछ बम स्फोट कराना, आतंकी हमला कराना, और इसी तरह के जो ट्रेन हादसे हैं कुछ इस तरह के, या कुछ हवाई जहाज, कुछ भी ऐसा नया तरीके का फार्मूला मतलब आजमाना और आपको गुमराह करना। मकसद एक ही रहेगा कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, आतंकवादी मुद्दों से, मतलब यही सब मुद्दे आपको दिखा के किसी भी तरीके से, क्योंकि न्यूज चैनल इनका है और न्यूज चैनल आपको खूब गुमराह करेगा। तो ये चीजें हैं, न्यूज चैनल से बच के रहना है, गोदी मीडिया से बच के रहना है जो आपको गुमराह करेगा। जय हिंद।